गोरखपुर जिले के तिवारीपुर के दोमिनगढ़ में पकड़े गए मऊ निवासी शेखर अनाथ आश्रम की आड़ में बच्चों को बेचने का गिरोह संचालित कर रहा था। एक बच्चे की मां को प्रलोभन देकर शेखर ने गिरोह के साथियों के साथ साजिश रची थी। पुलिस ने 10 महीने के बच्चे अंश को बरामद करते हुए गिरोह में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अन्य 5 लोगों की तलाश में जुटी है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जनपद गोरखपुर के थाना तिवारीपुर में 26/9/2022 की शाम के समय सूचना मिली कि एक बच्चा चोरी हुआ है और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई थी। तो इस संबंध में थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन में आते हुए हम मौके पे गए एवं जिन लोगों के साथ जनता ने पिटाई की थी उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया एवं बाद में सघन पूछताछ के बाद में पता चला कि ये लोग मऊ के एक अनाथालय से यहाँ पे एक बच्चे को देखने के लिए आए थे और उसके लिए बच्चे का 45,000 रुपये में सौदा हुआ था। इसके बाद में पुलिस धरपकड़ में लगी कि बच्चा कहाँ है और धीरे धीरे जब एक कड़ी से कड़ी जुटी गई तो पता चला कि एक जितेंद्र भारती नाम का व्यक्ति है जो कि एक गोल्डी नाम की महिला है जो उसको उसके माध्यम से बच्चों का पास्ट में भी करीबन 20-25 बच्चों के फ़ोटो इसके मोबाइल से मिले हैं। ये अभी तक पता नहीं चला है कि क्या ये महिला इस तरह के बच्चों को बेचने का कार्य करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अडॉप्शन के नाम पे दिलाने का कार्य अभी तक इसके द्वारा किया जाना प्रकाश में आया है। यह मनीष इलियास अंकित के माध्यम से मऊ में चलाए जा रहे अनाथालय में बच्चों को अडॉप्शन भी देने की बात ये प्रकाश में आई है। तो ये थी गोरखपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एक्शन टुडे के साथ।